मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि मैम एंड स्वागत करते हैं सभी का रैंक प्लस ऑफिशियल चैनल पे। तो 10th का एग्जाम खत्म, 12th का एग्जाम खत्म और अब हमारी ओवर थिंकिंग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है ना। थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग का कॉम्बिनेशन होता है ये स्टेज पे कि यार अब करियर चूज करना है, अब क्या करें, हाउ टू चूज करियर। यूट्यूब पे हम लोग देखना शुरू कर देते हैं, सभी को पूछना शुरू कर देते हैं कि मुझे इंटरेस्ट इसमें पर सब तो ये कर रहे हैं तो करना क्या चाहिए, है ना। ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके माइंड में, आने भी चाहिए। तो ये वीडियो को ना पूरा एंड तक देखना, 1.5x पे अब भी लगा दीजिए एंड पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज ऐसे करियर ऑप्शंस मैं आपके सामने रखने वाली हूँ जिसको आपने सुना भी नहीं होगा। कुछ को सुना होगा, कुछ को नहीं सुना होगा, पर इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है और हाई पेइंग जॉब्स भी है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना जरूर। एंड हाउ टू चूज करियर, अगर ये क्वेश्चन पे फोकस करें तो सबसे पहला मैं डिस्क्लेमर यही देना चाहती हूँ कि कभी भी ये चार रीजन के वजह से आप करियर को चूज मत करना। सबसे पहला रीजन इज फैमिली प्रेशर। अब फैमिली क्या करेंगे, फैमिली किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपको बोलेंगे कि देखो ये शर्मा जी का बेटा है ना, इसने ये किया, उसको अभी ये सैलरी है तो तू भी ये कर ले, है ना, फैमिली ये बोलते हैं। फिर रिलेटिव्स भी यही करेंगे। रिलेटिव्स को क्या, रिलेटिव्स आपके घर पे आएंगे, आपको बोलकर चले जाएंगे, वो तो चले जाएंगे, ऐश करेंगे घर पे, पर आपको करना है ना। अगर वो बोलेंगे कि डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बन जा, ऐसा बोल के वो तो चले जाएंगे। आपके फैमिली वाले बोलेंगे कि डॉक्टर बन जा, वो भी बोलकर बस हो गया उनका, पर बनना किसको है, आपको बनना है। मेहनत किसको करना है, आपको करना है। इतना पढ़ना किसको है, आपको करना है। और पूरे लाइफ वो करियर को एग्जीक्यूट किसको करना है, आपको करना है। तो करियर ऑप्शन ना आपको चूज करना चाहिए ये सारे रीजंस के वजह से, नहीं करना चाहिए। थर्ड रीजन इज पीयर प्रेशर। अब पीयर प्रेशर यानी क्या, कि फ्रेंड्स, हम लोग ना एक दूसरे को पूछते रहते हैं, फ्रेंड सर्कल, हमारा जो फ्रेंड सर्कल रहता है उनको पूछते हैं कि तू क्या कर रहा है, तू साइंस ले रहा है, अच्छा ठीक है तो मैं भी साइंस ले लूंगा। हम लोग पूरे स्कूल में साथ में पढ़े हैं तो वो भावना से हम लोग ले लेते हैं कि तू साइंस ले रहा है, हाँ ठीक है मैं भी साइंस लूंगा। तू ह्यूमैनिटीज ले रहा है, मैं भी ह्यूमैनिटीज ले लूंगा। या तो वो अगर डॉक्टर की तैयारी कर रहा है तो हम लोग भी डॉक्टर की तैयारी करेंगे, वो इंजीनियर बनना है तो हम लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करने लग जाएंगे। ऐसा माइंडसेट से हमें नहीं करना है करियर चूज, ठीक है। तो ये भावनाओं में हमें नहीं बहना है एंड सब कर रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ, तो ये तो जरा भी नहीं होना चाहिए। ये लास्ट रीजन ना आप मानोगे नहीं, पर लास्ट रीजन सबसे मोस्ट कॉमन रीजन रहता है कि अरे सब कर रहे हैं ना, ये चीज तो सब कर रहे हैं, डॉक्टर सब बन रहे मैम इसलिए मैं भी बनना चाहता हूँ, इंजीनियर सब बन रहे मैम इसलिए मैं भी बनना चाहता हूँ, अरे सीए सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। एडवर्टीजमेंट देख लिया, हाँ चलो ये ना ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन लग रहा है, तो ये सब खाली मोह माया है। ये सब देख के हमें ये फील नहीं करना कि चलो यही करियर ऑप्शन है, दुनिया में दूसरा कोई करियर ऑप्शन ही नहीं है, अब यही करने लग जाता हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, हम लोग को किस बेसिस पे चूज करना चाहिए, तो ये तीन बेसिस पे चूज करना चाहिए। मैं ना लाइफ में, मेरे लाइफ में एक उसूल है कि ये तीन पीज होने चाहिए फुलफिल इन योर करियर। अब ये वीडियो ना सीधी बात नो बकवास है, ठीक है, तो आपको तो मैं एकदम रियलिटी चेक देने वाली हूँ, दूसरे वीडियोस या दूसरे टीचर्स के जैसा नहीं कि हाँ बेटा ये कर लो वो कर लो। मैं आपकी दीदी हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको रियलिटी चेक दूँ कि आपको करियर अगर लॉन्ग टर्म तक रहना है वो करियर में, और वो भी हैप्पीली रहना है। देखो रहना और हैप्पीली रहना में फर्क है, जैसे कि शादी, अब हैप्पीली मैरिड और मैरिड में फर्क होता है कि नहीं होता, यस। तो वैसे ही करियर भी पूरे लाइफ तक संभालना है, शादी जैसे ही हुआ ये पूरे लाइफ तक उसी में रहना है, तो ऐसा चूज करना है जो आपको हैप्पी भी फील करवाए। तो सबसे पहला इस पर्सनालिटी, खुद की पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करें कि कैसा पर्सनालिटी है और क्या वो करियर ऑप्शन में उसको सूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, फिर से मैं आपको डॉक्टर का एग्जाम्पल दे रही हूँ। डॉक्टर बनने के लिए आपके अंदर वो दया भावना नाम की चीज होनी चाहिए, राइट, कि किसी को देखकर आपको ऐसे फील होता है कि काश मैं इसको हेल्प कर पाता या कर पाती। और अगर आपके अंदर वो फीलिंग ही नहीं है, मतलब आपको जरा भी ऐसा होता ही नहीं है, तो आप डॉक्टर तो बन ही नहीं सकते जस्ट बिकॉज कि सारे डॉक्टर बन रहे, राइट। तो ये कुछ चीजें होती है, कुछ ऐसा ना पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जो कि वो करियर डिमांड करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, पर्सनैलिटी फैक्टर्स, जो आपको देखना है कि क्या वो करियर ऑप्शन में मैं सूट हो पाऊंगा। क्योंकि अगर पर्सनैलिटी नहीं हुई ना सूट, तो वो कुछ सालों के लिए आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपको पैसा मिलेगा और ये सब फुलफिल होता जाएगा, नाम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर आपको दिल में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि पर्सनैलिटी मेरी मैच नहीं हो रही। सेम गोज विद पैशन, सेकेंड पी। पैशन हो ना तो आपको मोटिवेशन की कभी कमी महसूस ही नहीं होगी, आपको मतलब हर एक दिन ऐसा लगेगा कि आई एम एनर्जेटिक,
आई एम मोटिवेटेड, आपको ना ड्राइव कभी भी ऐसे कम नहीं लगेगा, अंदर से ऐसा खुद से होगा कि चलो आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा, ठीक है। तो ये चीज ना कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, वो मोटिवेशन, वो पैशन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा करियर ऑप्शन चूज करो जो कि आपको अंदर से ही मोटिवेटेड फील करवाए, किसी को बोलना ना पड़े, क्योंकि आगे जाके आपके ऊपर कोई ना कोई रहेगा, राइट, कोई ना कोई बॉस रहेगा आपके ऊपर, तो बॉस को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, समझ में आ रहा है। तो काम अपना ऐसा होना चाहिए कि बोलने की जरूरत ना पड़े, अंदर से खुद होए कि ये करना है, मुझे ये करना है, तो दैट इज पैशन। क्योंकि पैशन के बिना मैंने कितने सारे लोगों को देखा है कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कोई भी, मतलब कोई भी जॉब में काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस में काम कर रहे हैं, अंदर से उनको पैशन ही नहीं है, पर वो फील्ड में जस्ट बिकॉज इसलिए है कि उनको पैसा मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, इफ यू आर नॉट हैप्पी ना, तो फिर वो मतलब नहीं है वो काम करके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पैसा। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको सिर्फ पर्सनैलिटी और पैशन देख के नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको ना गाने का बहुत शौक है, ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी मैच हो रही है कि आप बहुत ही अच्छा गाना गाते हो, पैशन तो आपको भर भर के है कि कभी भी, मतलब कभी भी आप गाना गाने के लिए आप कभी भी ना नहीं बोलोगे, दैट इज़ योर पैशन, ठीक है। पर अगर वो फील्ड में पैसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि सिंगिंग फील्ड में पैसा नहीं है, बहुत ही पैसा है, ठीक है, पर उसको कैसे यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सिंगर्स में कुछ सिंगर्स एकदम बहुत ही ज़्यादा कमा रहे, अभी अरिजीत सिंह हो गया, फिर आतिफ असलम हो गया, बहुत सारे सिंगर्स है, राइट, तो ये सारे अच्छा खासा पैसा कमा रहे, तो दे नो हाउ टू use their skill, तो वो स्किल यूज करने के लिए आना चाहिए। तो पैसा इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि अगर पर्सनैलिटी, पैसा और पैशन, ये तीनों चीज़ें मिल जाए ना, तो वो करियर में आपको ऐसा लगेगा कि मैजिक हो गया, ठीक है, दैट विल बी योर लाइफ चेंजिंग डिसीजन, जब आपको वो करियर आइडेंटिफाई हो जाए। क्योंकि ऐसे ही नहीं हो जाता आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी ना थोड़े साल लगते हैं, थोड़े महीने लगते हैं, अब किसी को एकदम फटाफट से ये क्लिक हो जाता है कि दिस इज माय पैशन, दिस इज माय पर्सनालिटी, दिस इज माय द वन करियर ऑप्शन विच विल गिव मी मनी। तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने में टाइम लगता है, इसके लिए हमें एक्सप्लोर करने की नीड होती है। अभी आज के आज, अभी के अभी आप एक पेन और पेपर लीजिए और अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस लिख डालिए कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है, वॉट एम आई गुड एट, एंड मेरी वीकनेसेस क्या है, मुझे क्या चीज़ अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं नहीं कर पाता। तो वो चीज़ अगर आपके सामने होंगी ना, वो पॉइंटर्स अगर आपके सामने होंगे ना, तो करियर ऑप्शन चूज करने में मदद हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी के साथ मैंने आपको समझा दिया। अब बात करेंगे ना करियर ऑप्शन जो कि कॉमन नहीं है, ठीक है। ये सारे करियर ऑप्शंस मैंने ऐसे ढूंढ कर निकाले हैं, डेली लाइफ में मैंने देखा, मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को देखा कि वो करियर ऑप्शन को परस्यू कर रहे हैं। क्योंकि हमें क्या है, हमें वो स्टीरियोटाइप में हम लोग जीते हैं कि यही करियर ऑप्शन है जो कि हमें हाई पेइंग देगा, एंड दूसरे सारे जो भी करियर ऑप्शन है ना, ये तो मतलब यहाँ पे, ये लेवल पे है, इतना कोई करता नहीं है इसलिए वो अच्छा करियर ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। लोगों को पता ही नहीं रहता ये सारे करियर ऑप्शन के वजह से, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन कम होता है। एंड क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम है, तो यहाँ पे आपको ये करियर ऑप्शन मिल जाना, वो भी हाई पेइंग के साथ, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, समझ में आ रहा है आपको। जैसे कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, वो भी IIT NIT से, या अगर आपको CA करना है या UPSC क्लियर करना है, तो ये सारे एग्जाम्स ऑलरेडी वेल नोन है, एंड दैट इज वाई योर कॉम्पिटिशन इज मोर। कॉम्पिटिशन ज्यादा होता तो वहाँ पे सिलेक्शन का रेट, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो भी बहुत ही कम हो जाती है, येस और नो? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको रफ आइडिया दे देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड इसके बारे में थोड़ा गूगल में सर्च करिए, ठीक है, एंड देखिए कि आपका पर्सनैलिटी, पैशन और पैसा, ये तीनों चीजें किस में आपका हो रहा है एक साथ, ठीक है। तो जिसमें भी हो वो आप करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले मैंने AI और रोबोटिक्स को दिया है। अब आप सभी को पता ही होगा कि अभी हमारा जो जनरेशन है वो कितना ही फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है, कितना ऑटोमेटेड हो चुका है, राइट। अभी ये जमाना दूर नहीं है जब हम लोग सारी चीजें रोबोट से करवाएंगे, अभी भी हम लोग करवाते ही है। एलेक्सा को बोलते हैं टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ दिस, ये सब है ना, ये सब चीज हम लोग एलेक्सा को बोल रहे, सीरी को बोल रहे, ये करो वो करो, तो सारी चीजें ना ऑटोमेटेड ही होने वाली है और उसके लिए लगने वाली है टेक्नोलॉजी। तो आप यहाँ पे ये फील्ड में जा सकते हो, बहुत ही अच्छा पैसा है यहाँ पर, AI एंड रोबोटिक्स। फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर कब आता है, उसका यूज आता है व्हेन यू गो टू फॉरेन कंट्री। अब जैसे सेलिब्रिटीज जब जाते हैं,
कोई भी बड़ी हस्ती जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ मोदी जी, अभी मोदी जी गए फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में और उनको फ्रेंच बोलना नहीं आता, तो तब उनको रिक्वायर्ड रहता है एक ट्रांसलेटर का, ट्रांसलेटर के बिना वो जाएंगे ही नहीं वो कंट्री में, राइट? तो आपको खाली क्या करना, आपको वो लैंग्वेज सीख लेनी है पूरा एकदम एडवांस लेवल तक, एंड देन यू कैन बी अ ट्रांसलेटर, राइट? जैसे कि अगर आपने जापानीज सीख ली या चाइनीज सीख ली या फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेजेस सीख डालो, राइट? तो ये साइड बाय साइड जो भी आपका करियर चल रहा है वो तो करो ही, साइड साइड में आप ये लैंग्वेजेस का भी कोर्स कर लो, राइट? तो ये भी बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन रहता है जिसमें आपको बहुत ही भारी पैसा मिल सकता है। गेम डेवलपर, अब गेम डेवलपर आप लोगों ने सुना ही होगा, कितने सारे YouTube चैनल्स हैं अभी तो के लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं गेमिंग का, राइट? दिन से रात तक पूरा ऐसे स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और लाइव वॉचिंग भी रहती है उनकी, मतलब पीपल लिटरली सी देम लाइव। वो गेमिंग का चैनल है और बहुत ही मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वाला चैनल है, राइट? बहुत सारे हैं वैसे यूट्यूबर्स। तो इससे आप समझ ही सकते हो कि हमारी कंट्री में या वर्ल्ड में गेमिंग का कितना ज्यादा क्रेज है, राइट? तो गेमिंग में जा सकते हो गेम डेवलपर, क्योंकि गेमिंग का अगर ज्यादा क्रेज है तो ऑफकोर्स वो गेम को डेवलप करने में भी लोग चाहिए रहेंगे। तो गेम डेवलपर इज एन इमर्जिंग फील्ड जिसमें भारी पैसा है। फिर बिजनेस कंसल्टेंट, अब बिजनेस कंसल्टेंट में क्या होता है, उसमें जो बिजनेस अभी अभी शुरू किया है या पहले से चल रहा है तो उनको ना बिजनेस कंसल्टेंट करके लगता है, जो कि एडवाइसेस देगा, जो कि सजेशन देगा, जो कि मतलब उनके काम को इजी कर देगा बेसिकली, राइट? तो बिजनेस कंसल्टेंट को भी बहुत ही ज्यादा हाई सैलरी रहती है। फिर एस्थेटिक्स, अब एस्थेटिक्स ज्यादातर की जिनको भी मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको नीट एग्जाम दे देना है, MBBS कर लेना है, उसके बाद में आप ये एस्थेटिक फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये भी है, कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं जिसमें एस्थेटिक्स एज अ कोर्स, डिप्लोमा कोर्स रहता है, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। अब जिनको नहीं पता व्हाट इज एस्थेटिक्स, अभी देखो सेलिब्रिटीज, फिर कॉमन पीपल ऑल्सो, ये लोग को ना बहुत लुक्स का बहुत ही ज्यादा क्रेज हो चुका है, ठीक है, तो यू मस्ट हैव सीन इन द रील्स ऑल्सो कि लिप फिलर्स करवा रहे हैं, फिर यहाँ पे ऐसा रिंकल्स है, डार्क सर्कल्स है, या मतलब नोज का शेप है, तो आंखों का शेप है, तो ये सारा जो ऐसे अभी फेस ऐसा थिनिंग कराने के लिए, ऐसा अपलिफ्ट कराने के लिए भी बहुत सारे प्रोसीजर्स रहते हैं, तो ये सारी चीजें ना एस्थेटिक्स में आती है, तो उसमें बहुत ही ज्यादा पैसा है। लाइक इतना 1 ml डालेंगे लिप फिलर्स करवाने के लिए तो भी कितना थाउजेंड्स ऑफ रुपीज दे चार्ज, ठीक है, तो 10,000 तो मिनिमम रहता है, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। फिर तो आप समझ रहे हो इसका मतलब 1 ml डालने का 10,000, 15,000, 20,000, सो दैट्स हाउ इट इज कॉस्टली। तो एस्थेटिक्स बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, अच्छा खासा पैसा मिले, बिकॉज जितना साल हम लोग आगे जाएंगे ना उतना ही लुक्स और ये सब में ज्यादा बातें होंगी। पहले इतना लुक्स पे कोई खर्चा नहीं करता था, पर अभी आप देख ही रहे हो कि कितना लोग खर्चा करते हैं, एंड दे आर लाइक ऑलवेज बॉदर्ड अबाउट देयर लुक्स, तो ये बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है। फिर ग्राफिक डिजाइनर, अब ग्राफिक डिजाइनर मतलब क्या कि ये हो सकता है इन एडटेक कंपनीज जैसे कि रैंक प्लस हो गया, तो रैंक प्लस में जो भी हम लोग कॉन्टेंट पढ़ाते हैं तो डिजाइनिंग करने के लिए या कोई भी पोस्टर्स रहते हैं, थंबनेल्स रहते हैं, तो उनके लिए हमें ग्राफिक डिजाइनर नीडेड रहता है। फिर अगर आप एडटेक को छोड़ के दूसरे कंपनीज में देखो तो उसमें भी जैसे कि अगर अमूल का कंपनी है या कैडबरी कंपनी है तो सब में एडवर्टीजमेंट के लिए जो भी ग्राफिक्स रिक्वायर्ड रहता है ना, क्रिएटिव्स रिक्वायर्ड रहता है, होर्डिंग्स देखा रहेगा आपने हाईवे में, राइट? तो ये सारी जो चीजें, पोस्टर्स जो रहता है शादी में जो पोस्टर्स होते हैं, तो वो सारे पोस्टर्स डिजाइन करने के लिए, इनविटेशन डिजाइन करने के लिए वी नीड अ ग्राफिक डिजाइनर। फिर इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजर तो मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि इवेंट मैनेजर अभी कितना पैसा कमा रहे हैं, बिकॉज अभी कैसा हो रहा है ना, सेलिब्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। पहले इतना कोई नहीं करता था कि एनिवर्सरी आई, फर्स्ट एनिवर्सरी आई तो ग्रैंड पार्टी करते हैं, 25th एनिवर्सरी का ग्रैंड पार्टी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, फिर बर्थडेज, अभी तो बर्थडेज का भी कितना क्रेज हो गया है, फर्स्ट बर्थडे का, फिफ्थ बर्थडे का, 18th बर्थडे का, राइट? तो ये बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, शादी हो गया, हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, संगीत हो गया, सगाई हो गई, तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं बेसिकली, वो इवेंट्स को मैनेज करने के लिए ना इवेंट मैनेजर रहता है। एंड नोबडी हैज टाइम, पहले टाइम हुआ करता था और खुद मैनेज कर लेते थे, शादी होनी है तो खुद ही कर लेते थे, अलग अलग को कॉन्टैक्ट करे के, मंडप वाले को अलग, डेकोरेशन वाले को अलग,
तो सभी को अलग अलग कॉन्टेक्ट कर लेते थे, फूड वाले को अलग, पर अभी कैसा रहता है, अभी डायरेक्टली लोग पैकेज प्रेफर करते हैं, इवेंट मैनेजर को ही दे देते, उसको ही सौंप देते और वही देखता है कि फूड से लेकर लास्ट तक पूरा विधि तक क्या करना है वही देखेगा। तो इवेंट मैनेजर भी बहुत ही अच्छा रोल है और आगे जाके इसका डिमांड बढ़ेगा इवेंट मैनेजर का। फिर इंटीरियर डिजाइनर, अभी इंटीरियर डिजाइनर पता ही है सभी को, सभी को एकदम सुंदर घर रिक्वायर्ड रहता है, पहले इतना था ही नहीं, क्रेजी नहीं था, लोग क्या करते थे सिंपल घरों में रहते थे, सिंपल इतना डेकोरेशन नहीं नीडेड था, पर अभी सारे ही एकदम इंटीरियर करवा के ही रहते हैं। हर एक डिटेलिंग मैटर करती है, लाइक छोटी से छोटी डिटेल, डाइनिंग टेबल से लेकर एवरीथिंग, शेल्फ एवरीथिंग, तो ये सारे इंटीरियर डिजाइनर से ही पॉसिबल है, तो इंटीरियर डिजाइनर का भी क्रेज बढ़ने वाला है। फिर डाइटिशियन, अभी डाइटिशियन सारे क्या रहते हैं, एकदम हेल्थ कॉन्शियस बन चुके हैं, फिटनेस फ्रीक बन चुके हैं, किसको भी ना ऐसे मोटा दिखना अच्छा नहीं लगता, एवरीवन आर कंसर्न्ड अबाउट देयर लुक्स, अबाउट देयर फिटनेस, राइट। मोटे मोटे नहीं भी रहेंगे, एकदम प्रॉपर शेप में रहेंगे तो भी दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर फिटनेस, मुझे हेल्दी खाना खाना है, राइट। तो ये आगे जाके और बढ़ने वाला है। स्पोर्ट्स डाइटिशियन आपने सुना होगा, अब जो भी एथलीट होता है, जो भी क्रिकेटर हो गया, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन रहता है, उनको एक प्रॉपर डाइट रिक्वायर्ड रहता है, राइट। सेलिब्रिटी हो गया, क्योंकि वो डाइट के बिना वो प्रॉपर शेप में रहेंगे ही नहीं, तो डाइटिशियन तो लगने ही वाले, उनका तो कमी होना ही नहीं चाहिए, राइट। तो डाइटिशियन इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। फिर फैशन डिजाइनर स्टाइलिस्ट, अभी स्टाइलिस्ट का तो अभी कितना क्रेज हो गया, लास्ट 2-3 साल में ज्यादा स्टाइलिस्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, क्योंकि पहले स्टाइलिस्ट अलग से हायर नहीं करते थे, करते थे पर इतना नहीं था क्रेज, पर अभी कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई भी कॉमन भी रहेगा ना, कॉमन पर्सन रहेगा, तो वो भी स्टाइलिस्ट को हायर करता है, बिकॉज स्टाइलिस्ट क्या करता है, वो फैब्रिक से लेकर कि कौन सा फैब्रिक वो सेलिब्रिटी पहनेगी, फॉर एग्जांपल श्रद्धा कपूर है तो श्रद्धा कपूर की अलग से स्टाइलिस्ट रहेगी, 2-3 तो स्टाइलिस्ट रहते हैं कि वो फैब्रिक डिसाइड करेंगे कि कौन सा कपड़े का वो बनेगा ड्रेस, फिर उसके बाद में कैसा पैटर्न होगा, तो वो पैटर्न ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में वो आउटफिट बनेगा, उसके बाद में कैसे उसको स्टाइल करना है, क्या करना है और एडिशन क्या करना है, वो ड्रेस है तो उसके ऊपर बेल्ट कहाँ लगाना है, जो भी चीज़ें जो एड ऑन रहती है ना वो कैसे करना है, तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम रहता है स्टाइलिस्ट का। तो स्टाइलिस्ट अगर आपको फैशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, यू लाइक फैशन, यू लाइक टू बी फैशनेबल, तो आप ये फील्ड को ज़रूर एक्सप्लोर करना, यहाँ पे भी बहुत पैसा है। फिर शेफ़ भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अब आपने अच्छे कैफेज या रेस्टोरेंट में अगर आप गए हो तो वहाँ पे ना शेफ़ को बहुत ही अच्छी सैलरी दी जाती है, अगर मैं अप्रोक्सीमेट बोलूँ तो 1.5 लाख से 2 लाख सैलरी दी जाती है, आप मानोगे नहीं मानोगे ना, पर दी जाती है इतनी सैलरी, अच्छा एकदम 5-स्टार रेस्टोरेंट या एकदम अच्छा कैफ़े रहेगा ना, क्योंकि उनको वो रेपुटेशन की रहती है, मतलब उनको क्या रेपुटेशन का रहता है कि मेरे कैफ़े का रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए, सो दे हायर समवन के वो स्टार्टर से लेके मेन कोर्स तक, डेजर्ट तक, एवरीथिंग शुड बी एकदम टेस्टी और अच्छा होना चाहिए, जो माइंडसेट समझ पाए कस्टमर का। तो शेफ़ अगर आपको अच्छा लगता है खाना बनाना, यू लाइक टू फीड पीपल, तो ये आपका अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर कैबिन क्रू, कैबिन क्रू के लिए कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपने देखा ही रहेगा, आप कभी भी अगर आप प्लेन में ट्रैवल किए हो तो आपने देखा रहेगा कैबिन क्रू हमेशा एकदम हैप्पी मूड में रहेगी, राइट, मतलब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेगी, ऐसे ऐसे मतलब उनको देखकर ही अपना मूड अगर खराब रहेगा ना तो वो भी अच्छा हो जाएगा, लाइक तो यहाँ पे ना लाइक यू शुड हैव दैट जॉयफुल मूड, अगर आपको ये ऐसा अच्छा लगता है, यू लाइक टू मीट पीपल, ग्रीट पीपल, तो ये वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, एंड ऑफकोर्स यू गेट टू ट्रैवल अलॉट, तो कैबिन क्रू कैन ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन। फिर यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर की कमी नहीं है, राइट, इतने सारे अभी तो मतलब ये ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, तो बेसिकली दे हैव अ ब्रांड डील, ठीक है, तो ब्रांड्स उनको अप्रोच करते हैं एंड उसके बाद में उनको अच्छा लगे, वो ब्रांड डील अच्छा लगे तो वो प्रमोट करेंगे अपने पेज में, यूट्यूब वीडियो में या तो इंस्टाग्राम पेज में, तो उससे उनको पैसा मिलता है वो हिसाब से। फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म, अगर आपको ट्रैवल करना बहुत ही अच्छा लगता है, अगर आपको नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, प्लानिंग करना अच्छा लगता है कि पूरा आइटिनरी बना लो, तो वो सब अगर आपको अच्छा लगता है, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड, तो ये फील्ड को आप ज़रूर एक्सप्लोर करना, इसमें भी बहुत पैसा है, क्योंकि अभी सारे जो लोग रहते हैं ना उनको ये रहता है कि आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, कोई भी ऐसा बैठा रहना पूरा लाइफ में खाली काम करते रहना कोई भी वो माइंडसेट से नहीं चलता, अभी सारे लोगों को क्या करना रहता है, दे वॉन्ट टू डू अ वर्ल्ड टूर, राइट,
तो इसके लिए ये फील्ड भी बहुत ही इमर्जिंग है, इसमें भी बहुत ही पैसा है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिल चुके, तो जो कि मतलब हटके थे, थोड़े स्टीरियोटाइप से दूर थे, वैसे सारे करियर ऑप्शंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा हो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना। अगर कोई भी करियर ऑप्शन में, ये वाले करियर ऑप्शन में या आपके सोचे हुए करियर ऑप्शन में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आए कि ये मुझे बनना है पर कैसे बनूं, उसका रूट पता होना चाहिए, राइट? तो अगर रूट नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि मुझे ये बनना है एंड मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और अगर आपको कोई क्वेरी भी नहीं है ना तो जरूर लिख देना, मुझे अच्छा लगेगा जानकर कि आपको क्या बनना है, आपने क्या करियर ऑप्शन चूज किया है। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय।